बेतिया में बड़ा अपराध का ग्राम, दिन दहाड़ी गोली मार अपराधी हो रहे हैं फरार। जिले वासियों को पुलिस गश्ती से उठ रहा है विश्वास। आपको बता दें कि बेतिया के कालीबाग क्षेत्र के दरगाह मोहल्ला स्थित संत टेरेसा गर्ल्स स्कूल के पीछे चल रहे जिम के प्रशिक्षक पर आज शाम अपराधी ने गोली चलाई, जिसमें छावनी निवासी सज्जाद आलम करीब 22 साल के हैं, जिन पर गोली लगने से वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घटना बुधवार शाम 4 बजे की बताई जा रही है। घायल युवक को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेतिया में इलाज के लिए भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया। कालीबाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार, नगर थाना अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक शशि भूषण ठाकुर और सदर SDPO मुकुल परिमल पांडे ने जांच पड़ताल किया और वहां लगे CCTV फुटेज को जब्त कर अपने साथ ले गए। युवक को गोली कैसे लगी, इस संबंध में अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है, ये जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि घर में जिम चलाया जा रहा था, जो कि शब्बीर मियां की है और जिसका संचालक उनके पुत्र बताए जा रहे हैं। इस संदर्भ में पुलिस अभी भी कुछ बताने से इनकार कर रही है। संवाददाता सोन प्रसाद, VSRS न्यूज, पश्चिम चंपारण, बिहार।